गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि अपने वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे हम व्यवहार कहते हैं, उसके पीछे हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वह कार्य करता है। और उस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, इसके विषय में बताया था कि ये एक न्यूरॉन का चित्र है। ये इसकी सेल बॉडी है। ये जो इस पे ब्रांचेस की तरह से जो पार्ट निकला हुआ है, ये इसको हम डेंड्राइट या वृक्ष तंतु कहते हैं। और ये जो लंबी सी रचना है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के किनारों पे ये टर्मिनल बटन्स होते हैं, इसको हम एंड ब्रश भी कहते हैं, ठीक है। और डेंड्राइट का, या जिसको हिंदी में हम वृक्ष तंतु कहते हैं, इसका कार्य होता है जो उत्तेजना है, जो स्नायु आवेग है, उसको ग्रहण करना, और ग्रहण करके इस सेल बॉडी में, इस जीव कोश में प्रवाहित करना। उसके बाद ये सेल बॉडी या जीव कोश क्या करता है, ये उस आवेग को ग्रहण करके और एक्सॉन की ओर भेजता है, और एक्सॉन के द्वारा ये आवेग प्रवाहित होता है, ठीक है। अब इसके आगे की बात हम करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन के प्रकार, ठीक है। तो न्यूरॉन, जैसा कि थोड़ा सा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आज हम उसकी डिटेल में बात करेंगे कि अगर हम संरचना के आधार पर बात करें तो हम देखेंगे कि न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स। पहला यूनिपोलर या एक ध्रुवीय, जिसमें यह सेल बॉडी है, एक ही ओर से एक डेंड्राइट निकला हुआ है और एक एक्सॉन निकला हुआ है, ठीक है, वृक्ष तंतु और अक्ष तंतु। दूसरा जो प्रकार होता है, जिसको कि हम बाइपोलर न्यूरॉन या द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। और तीसरा प्रकार इसका मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय, जिसमें देखिए जीवकोश से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। तो ये अपने कार्य के हिसाब से, जिस हिसाब से उसका कार्य होता है, उस प्रकार के न्यूरॉन उस पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके कार्य के आधार पर अगर हम देखें, जो न्यूरॉन के कार्य होते हैं उसके आधार पर अगर हम डिवाइड करें, इसको कैटेगराइज करें, तो हम देखते हैं कि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानवाही, जिसको कि हम सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। दूसरा क्रियावाही या मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। और तीसरा जो प्रकार है वो है संयोजक न्यूरॉन या कोऑर्डिनेटिंग न्यूरॉन, ठीक है। तीन, ज्ञानवाही, क्रियावाही और संयोजक। अब अगर हम ज्ञानवाही न्यूरॉन की बात करते हैं, तो ये मेनली वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क की ओर भेजते हैं। ये मेनली इनकी जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो वृक्ष तंतु होते हैं, वो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी ओर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, और वह
जो भी उत्तेजना है उससे संबंधित जो आवेग है उसको ग्रहण करते हैं और उसको अंदर की ओर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इसको मस्तिष्क में हमारे ब्रेन में भेजते हैं। दूसरा जो प्रकार है क्रियावाही या मोटर या एफरेंट न्यूरॉन, ये ब्रेन से जो ब्रेन आदेश देता है, जो भी उत्तेजना होती है उसको एनालाइज करने के बाद उससे संबंधित जो भी आदेश देता है उसको, उसके आवेग को लेकर और शरीर का जो उससे संबंधित भाग होता है, जो पार्ट होता है जिसको कि एक्शन करना है, उसकी ओर आवेग को लेकर जाते हैं, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो न्यूरॉन होते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि संयोजक या कोऑर्डिनेटिंग न्यूरॉन्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बीच में उनको जोड़ने का, उनको मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और अगर हम कार्य के आधार पर देखें तो ज्ञानवाही, सेंसरी न्यूरॉन्स, क्रियावाही या मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा संयोजक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट है समझना, पूरे नर्वस सिस्टम को समझने से पहले जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपने न्यूरॉन को देखा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, न्यूरॉन के कार्य देखे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन देखे। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं स्नायु संधि या साइनेप्स। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन भी आता है कि स्नायु संधि पर, साइनेप्स पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम साइनेप्स या स्नायु संधि कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि न्यूरॉन्स कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में हमेशा एक गैप होता है। जब ये नर्व इम्पल्स ये डेंड्राइट्स वृक्ष तंतुओं ने ग्रहण किया और उनको अक्ष तंतु या एक्सॉन की से प्रवाहित होते हुए इसके ये जो एंड ब्रश है, जो टर्मिनल बटन्स यहाँ पे होते हैं, एंड ब्रश होता है, यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से इन आवेग को दूसरे न्यूरॉन के जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो वृक्ष तंतु होते हैं, ये रिसीव करते हैं। लेकिन ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे एक जो जंक्शन होता है, जो ये संधि स्थल होता है, इसको ही हम साइनेप्स या स्नायु संधि कहते हैं। फिर यहाँ से ये आवेग इन डेंड्राइट्स पे जाते, ये डेंड्राइट्स इसको रिसीव करते हैं और फिर वापस वही प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है। ये अगले न्यूरॉन में, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होते हुए इस तरह से जो सूचना है, जो आवेग है, वो कहाँ तक पहुँचता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क में पहुँचता है। और इसी प्रकार से ये जो आवेग है ये वापस भी आता है अपने जो भी बॉडी पार्ट है जिसको कि एक्शन करना है उसके पास। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दो न्यूरॉन आपस में अटैच नहीं होते हैं, मिले हुए नहीं होते हैं। उनके बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे एक हल्का सा गैप होता है और इसी गैप को, इसी प्लेस को हम स्नायु संधि या साइनेप्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिवाइज किया, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में जाना शॉर्ट में, और कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं ये पढ़ा, और स्नायु संधि या साइनेप्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। अब आप लोग अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन दे देती हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लिखें, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए।
ये अपनी नोटबुक में आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करेंगे, लिखेंगे कौन सा पार्ट क्या है, नाम का अंकन करेंगे। नामांकित का क्या मतलब होता है कि चित्र तो बनाएंगे ही, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करेंगे कि ये पार्ट्स का, इस पार्ट का क्या नाम है। और फिर अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में लिखिएगा कि न्यूरॉन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें आप दोनों लिखेंगे, संरचना के आधार पर भी और कार्य के आधार पर भी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन नोट करें, तीसरा क्वेश्चन है स्नायु संधि या साइनैप्स पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आप लोगों को अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। जब भी हम लोग कॉलेज में मिलेंगे आपको अपनी कॉपीज तैयार लेके आनी होंगी और चेक करानी होंगी। और अब इससे जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो, आप, मैं अभी ऑनलाइन हूँ अपने पीरियड में, आप पूछ सकते हैं, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूँगी लिख के या वीडियो डाल के या वॉइस मैसेज से, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों अब आप लोग भी सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इसको हल्के में नहीं लीजिए कि ये बस यूं ही चल रहा है ना। कब कॉलेज खुलता है कब, तो आपको अब इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए, अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं पढ़ते जाइए, जो बुक्स अवेलेबल हैं, नहीं हैं तो ऑनलाइन आप उस बुक्स को डाउनलोड करिए। लेकिन बच्चों अब इसको सीरियसली लेके आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू।